आज हमारे पास है टेक्नो का मोबाइल और इसका मॉडल है iAir 2 Plus। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये 4G लॉक लगा हुआ है। मोबाइल हमारा फॉर्मेट हो चुका है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ किस तरह से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं और जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा इससे आप इसकी FRP पासवर्ड पैटर्न और अगर हैंग ऑन लोगो है तब भी उसको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डिवाइस मांग रहा है जो पुराना वाला, इसमें जीमेल आईडी जो पड़ी हुई थी वही, और वो हमारे पास है नहीं। तो इसके लिए हम इसको किस तरह से अनलॉक करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत आसान तरीका है और इजी तरीका है और काफ़ी जल्दी हो भी जाता है। और सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास हमेशा पहुँचता रहे और आप लोग ऐसे ही वीडियो हमेशा देखते रहें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है जो कि आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगी। फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लीजिए और टेक्नो फ्लैश टूल और ESP फ्लैश टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका जो है वो यही है कि टेक्नो फ्लैश टूल का यूज यहाँ पे हम करें। और चूँकि टेक्नो फ्लैश टूल में हमें इसके लिए DA फाइल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपने कई वीडियो देखा होगा कि इसको हम बाईपास करने का तरीका बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि समय काम नहीं कर रहा है, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग सिम डालते हैं और सिम डालने के बाद हम इमरजेंसी वाले पे क्लिक करते हैं। इमरजेंसी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम ऐड कॉन्टेक्ट करते हैं, तो इसको हम अलाउ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट शो होता है जो कि अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, सिम लगाने के थोड़ी देर लगभग आधा 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद यहाँ पे नंबर शो होने लगता है। और उसके बाद जब नंबर शो होता है तो यहाँ हम उस नंबर को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हम डायल पैड पे जाते हैं, लेकिन अभी जो इसका अपडेट आया है इसमें हम डायल पैड ओपन नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरह से बाईपास करते थे, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ से ओपन हो जाएगा डायल पैड तो आप यहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं, और नहीं होता है तो मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा वो 100% काम करेगा, हमेशा काम करेगा, चाहे जो भी अपडेट इस पे आ जाए या चाहे जितना इस पे सिक्योरिटी कर टाइट कर दे कंपनी वाले, लेकिन ये जो तरीका मैं बताऊंगा ये 100% काम करेगा, हमेशा काम करेगा। तो इसके लिए हमें फ्लैश फाइल की ज़रूरत पड़ेगी और फ्लैश फाइल हमने डाउनलोड कर रखा है और टेक्नो फ्लैश टूल भी हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 7-zip से, अनजिप कर लेंगे। और उसके बाद फ्लैश फाइल को भी हमें अनजिप करना है, इससे विनरार भी आप यूज कर सकते हैं और 7-zip भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम टेक्नो फ्लैश टूल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और टेक्नो फ्लैश टूल जब हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे SWD आफ्टर सेल्स, यही हमें इसको हमें कर लेना है ऑन। और इसके ओपन होने के बाद हम ये है स्टार्ट बटन और इसके बगल में आपको ये सेटिंग की बटन मिलेगी, और यहाँ पे हमें सेटिंग की बटन पे हमें क्लिक करना है। स्टार्ट पे अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, और यहाँ पे हम लोड पे क्लिक करेंगे और हम जो फाइल हमने डाउनलोड किया है इसकी फ्लैश फाइल को हमें वहीं पे जाना है, और वहाँ से जाके हमें फाइल को यहाँ पे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद फर्मवेयर में जाना है और यहाँ पर हमें स्कैटर फाइल को चूज कर लेना है, और इसके बाद हम यहाँ से कन्फर्म करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है फर्मवेयर अपग्रेड पर ही आपको रखना है, यहाँ पे कई ऑप्शन हैं लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ यही इसी नंबर पहले वाले पे रखना है, क्योंकि इसी पे रहने के बाद ये आपके मोबाइल का पासवर्ड पैटर्न और FRP सब कुछ रिमूव हो जाएगा, 100% ये यहाँ से हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम प्ले करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के बाद ये कुछ सेकंड यहाँ पर टाइम लेगा, मतलब ये फाइल यहाँ पर इस पर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ सेकंड ये फाइल यहाँ पर ऐड होगी, और इसमें उसके बाद हम इसको फ्लैश करेंगे। और जो वीडियो आप लोग ये देख रहे हैं इसमें बिल्कुल 1 सेकंड का भी कहीं पे कट नहीं है, जितना टाइम इसमें आप देख रहे हैं इतना ही टाइम आपको पूरी फ्लैशिंग में लगेगा, फाइल ऐड होने से लेकर फ्लैश होने तक, और इससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आ गया, मतलब हमारा टूल स्टार्ट हो चुका है, और इसके बाद हम मोबाइल को ऑफ़ कर लेंगे और वॉल्यूम डाउन दबा के हम कनेक्ट करेंगे USB को। जब हम USB से कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे DA कनेक्टिंग दिखाएगा, उसके बाद मोबाइल हमारा फॉर्मेट होगा, और मोबाइल फॉर्मेट होने के बाद फिर इसकी फ्लैशिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 2 से 2.5 मिनट का टाइम टोटल लगता है।
और फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद फिर मोबाइल को हम निकालेंगे, उसके बाद हम मोबाइल को ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का ऑन होने में, और ऑन होने के बाद मोबाइल हमारा पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा। इसमें FRP पैटर्न कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा मोबाइल पूरी तरह से हमारा अनलॉक हो जाएगा और यूज करने के लिए बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और वही हमें सेटअप करना है, उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, लॉक पासवर्ड कुछ भी ये नहीं मांगेगा। और यहाँ पे आप लोग जो टाइमिंग यहाँ पे देख रहे हैं, टाइमर चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगता है, और उसके बाद ये फ्लैशिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, मोबाइल को ऑफ कंडीशन में वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम माइनस आपको दबा के उसके बाद USB को कनेक्ट करना है। उसके बाद ये यहाँ पे कॉम जो आपको दिखा रहा है, COM6 यहाँ पे MediaTek Preloader USB VCOM Android ये यहाँ पे शो करेगा। और अगर आप वॉल्यूम अप प्रेस करके लगाते हैं तो हो सकता है कि ना कनेक्ट करें, इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग वॉल्यूम डाउन प्रेस करके तब कनेक्ट करेंगे तो ये 100% एक ही बार में ये कनेक्ट हो जाएगा और एक ही बार में ये फ्लैशिंग आपकी पूरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें आपको DA फाइल वगैरह कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है। अगर आप SP टूल का यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको DA फाइल भी आपको चूज करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ उसमें कई फाइलें उसमें चूज करना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें बस आपको फ्लैश फाइल चूज करना है और डायरेक्ट आप इसको फ्लैश कर सकते हैं।